जबलपुर में किरायेदारों एवं होटल में रुकने वाले यात्रियों की सूचना न देने वाले 11 मकान मालिक एवं 3 होटल के मैनेजर के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया गया है। जिले में और जबलपुर जोन के अंतर्गत दूसरे प्रदेशों के लोग आकर बिना आईडी प्रूफ दिए होटलों में रुक रहे हैं, मकान किराए पर लेकर रह रहे हैं, जिसकी वजह से जबलपुर जोन में और जिले में आपराधिक वारदातें बढ़ रही हैं, जिसे देखते हुए जबलपुर जोन और जिले के समस्त थाना क्षेत्रों में निर्देश जारी किए गए हैं। होटलों में रह रहे लोगों और किराए के मकानों में रह रहे लोगों की जानकारी एकत्रित की जाए। ऐसे होटल संचालक और मकान मालिक जिन्होंने बिना किसी आईडी प्रूफ के अनजान लोगों को होटल में रखा हुआ है या किराए पर मकान दिया गया है, उन सभी के खिलाफ कार्यवाही की जाए। इस आदेश के परिपालन में लगातार कार्यवाही की जा रही है। सभी होटल संचालकों को निर्देश दिए जा रहे हैं कि वे होटल में रुकने वालों के आईडी प्रूफ जमा करें और पुलिस को इसकी सूचना दें। इसके साथ ही यह भी सूचना जारी की गई है कि अनजान व्यक्तियों को मकान किराए पर ना दिया जाए। अगर किसी को मकान किराए पर दिया जा रहा है तो उसका आईडी प्रूफ थाने पर जमा किया जाए, यह सारी जानकारी पुलिस तक पहुँचाई जाए। भोपाल राजधानी में जमाते मुजाहिदीन के 6 सदस्य गिरफ्तार हुए हैं। कहीं ना कहीं बड़ा स्लीपर सेल काम कर रहा था, उसको देखते हुए किस तरह से रेंज में अलर्ट किया गया है? पूरा हमारे जोन में 5 जिले आते हैं और जोन में 5 जिलों में हम बराबर, तब से जैसे ही सूचना मिली थी तब से बराबर सर्चिंग चल रही है और एक एक घर को हम लोग तस्दीक कर रहे हैं, एक एक होटल, एक एक धर्मशाला, सबको कर रहे हैं। और वहाँ पर जो भी रुकने वाले हैं, तो किराए किरायेदार हैं मकान के, तो उनको, तो सभी मकान मालिकों को ये कहा जा रहा है कि वो आके थाने में सूचना दें। जिन लोगों ने सूचना नहीं दी है, तो अभी जबलपुर खास पे कुछ मकान मालिकों एवं होटल मालिकों के विरुद्ध धारा 188 के विरुद्ध कार्रवाई भी की गई है और शेष जिले कटनी, नरसिंहपुर और छिंदवाड़ा और सिवनी भी अपना एक सेंसिटिव जिला होता है, तो हम सभी जगह लोगों को अलर्ट पर रखा है। सभी पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिए जाएंगे सतत ये अपनी जो भी है छानबीन और इंक्लियंस को एक्टिव रखें और घर घर बीट वाइज उनको बांट दिया गया है कि घर घर जाके पता करें किसके यहाँ कौन किराएदार है और उसकी सूचना थाने में दी गई है कि नहीं दी गई है। सर, जबलपुर चूँकि सीमे का भी गढ़ कहा जाता है, उसके अंदर काफ़ी संवेदनशील है, उसको देखते हुए पुलिस किस तरह से सर्चिंग कर रही है? पुलिस बीट वाइज बिल्कुल हर तरह से कार्रवाई है, जो भी संदिग्ध मिल रहा है तो पूछताछ भी की जा रही है। अभी हालांकि ऐसा कोई सामने नहीं आया है, लेकिन हम लोग अलर्ट हैं और ख़ास तौर पर रुकने के स्थानों पर हम लोग बहुत ज़्यादा संवेदनशील हैं कि कहाँ कहाँ रुकने के स्थान हो सकते हैं और वहाँ कौन कौन रुके हैं और उसकी सूचना अगर किसी ने रुकवाया है तो उसकी सूचना हमारे थाने में दी गई है कि नहीं दी गई। सर, हाल ही में कार्रवाई कुल कितनी हुई है अगर बात की? अभी टेंटेटिव नहीं दे सकते, पर कुछ कार्रवाई हुई है, कुछ होटल मालिकों कोतवाली थाना कोतवाली जबलपुर के होटल मालिकों पर कार्रवाई हुई है, एक आध दो जगह मकान मालिकों पर भी कार्रवाई हुई है जो जिन्होंने किराए पर मकान दिया था और किराएदार की सूचना थानों में